तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग हलमपुर गए हैं, महेंद्र शर्मा जी का घर है, यहाँ से हमें कॉल आई तो गेहूं साथ देखा गया है। हाँ तो दोस्तों यहाँ एक गमन सांप आप देख सकते हैं, यहाँ बेचारा ये छुप के बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं, और शायद इसने कुछ खाया है, कुछ शिकार किया है इसने। बाहर में बच्चा और क्या देखा दिया जरा। अच्छा कहीं ना कहीं चल के तू कुछ है तो देख सकते हैं साथियों, यही कोबरा सांप है और कितना गुस्से में है आप देख सकते हैं। इसने दोस्तों अभी कुछ शिकार किया है, कुछ खाया है इसने, जिस कारण आप देख सकते हैं इसका पेट थोड़ा सा फूला हुआ है। तो हम नहीं चाहेंगे साथियों, है तो बहुत खूबसूरत नाग लेकिन बहुत ज़्यादा जहरीला सांप, भारत देश का जाना माना जहरीला सांप। इस सांप के नाम से ही आतंक होता है, काफ़ी सारी जगहों में कई जगह इस सांप के डसने से लोगों की मौत होती है, क्योंकि लोग जो है अंधविश्वास के चक्कर में आज भी हैं और कभी भी स्नेक बाइट जैसे होती है तो लोग पहले झाड़ फूँक के लिए जाते हैं, जिस कारण से जो है उनके पास समय कम हो जाता है और हॉस्पिटल जाने में देर करने के कारण उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा कोई भी सांप काटे तो सीधा अस्पताल जाएं, तभी आपकी जान बचेगी। तो साथियों चलिए हम इसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और इसका रेस्क्यू कर लेते हैं। इसे कहते हैं सवा हाथ का गेहूं सांप, जो कि लोग जानते हैं कि बहुत खतरनाक होता है और वाकई में दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह सांप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है और इस कारण से काफ़ी फुर्तीला होता है और जंप करने में जंप करके भी बाइट कर सकता है। देख सकते हैं आप किस तरह से यह बाइट करने की कोशिश करता है। तो चलिए डब्बा निकालिए, रेस्क्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब इस स्नेक को ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाते हैं, अब हम इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना एग्रेसिव है यह सांप और बाइट करने के लिए तैयार था, गुस्से में बहुत था, क्योंकि छोटा सांप है दोस्तों इसलिए एग्रेसिव ज़्यादा होता है। हमें हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं कि बड़े सांप से ज़्यादा खतरा छोटे सांपों से होता है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता है कि कब काटना है कब बाइट करना है, ये थोड़ा सा भी अगर डर जाते हैं तो सामने वाले को बाइट कर सकते हैं, इसलिए इनसे खास तौर से सावधानी बरतें। और बरसात का समय आ गया है दोस्तों, ऐसे में घर में साफ सफाई रखें, क्योंकि बारिश में सांपों के बिल में पानी चला जाता है और वे मनुष्यों के घरों में प्रवेश करने लगते हैं, जिस कारण से खतरा बराबर बन जाता है, मनुष्यों और सांपों का आमना सामना होता है, जिसमें से कई बार तो सांप मारे जाते हैं लेकिन अगर सर्पदंश हो जाता है और जानकारी नहीं रहती है कि क्या करना है सर्पदंश के बाद, तो अक्सर लोग भी मारे जाते हैं। तो इस वजह से सावधान रहिए, जानकारी बढ़ाइए, अंधविश्वास से दूर रहिए और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।